स्टूडेंट्स, आज हम जॉन कीट्स की फेमस पोइम ओड टू ऑटम को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इस पोइम के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली इस पोइम में है क्या है। इस पोइम में ये पोइम एक लिरिक है ऑटम सीजन के ऊपर है, जिसमें ये पोइट जो इस सीजन की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं, इसके कलर्स को, इसके फ्रूट्स को और जो अर्थ पे जो इस सीजन का इफेक्ट डालता है उस चीज़ को हमारे सामने डिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादातर जितने भी हमारे पोइट्स हैं उन्होंने स्प्रिंग सीजन, जो ब्यूटीफुल सीजन है जिसमें हमारी जो अर्थ है, अब स्प्रिंग सीजन आने वाला है तो इसमें हमारी जो अर्थ है येलो कलर के फ्लावर से कवर अप रहती है, सरसों के से, तो ज़्यादातर पोइटों ने स्प्रिंग सीजन को लिखा है और उसको ही एलोवरेट किया, उसको बताया, उसकी ग्लोरीफाई किया। बट कीट ने यहाँ पर ऑटम सीजन को लिया है, जो बहुत ही एक तरह से यहाँ पर डिक्के का रिप्रेजेंट किया। जैसे हमारी एक पोएम थी सरोजिनी नायडू की फर्स्ट ईयर में, जिसमें वो एक तरह पत्ते झड़ते हुए इस तरह से उसकी तुलना करती है ऑटम सीजन की, इस तरह से बताती है। बट यहाँ पर जो ऑटम सीजन है वो उसकी ब्यूटी को यहाँ पर पोएट के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पर इसको एक डेथ और डिके का सीजन ने बचा कर इसको हैप्पीनेस और ब्यूटी का सीजन बताया है। तो जो पोइट यहाँ पर ये बोल रहा है कि उन्होंने इस पोएम में ऑटम को पर्सोनिफाइड किया है इन फॉर्म ऑफ ए वुमेन, जो फार्म में अपने में बैठी है उसके बारे में यहाँ पर बताया है और इसको ब्यूटीफुल पोएमों में से एक पोएम माना गया है। ऑटम सीजन बेसिकली ड्राई फ्रूट्स का सीजन होता है, पके हुए फलों का सीजन होता है। ये पक जो फल हैं जो जब भी पकते हैं, जब प्रॉपर तरीके से सन की मैच्योरिंग पावर हो, सन के द्वारा ही पकते हैं। जैसे हमारे गेहूं को देख लो, बिल्कुल मार्च के महीने में जब एकदम सन एकदम बिल्कुल प्रॉपर आ जाता है तब जाके वो पकते हैं। तो इट राइपन्स फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड एप्पल्स, इट मेक्स द फ्लावर्स ब्लूम, द बिग थिंग्स दैट समर विल स्टिल कंटिन्यू। ऑटम इज पर्सोनिफाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ए वुमेन सिटिंग केयरलेसली ऑन ए ग्रीनरी फ्रॉन एज ए टायर्ड रीपर, ऑटम इज प्रेजेंटेड एज ए क्लीनर। तो इस पोएम में ऑटम सीजन को एक वुमेन के तौर पे पर्सोनिफाइड किया। पर्सोनिफाइड का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑटम सीजन एक नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स को यहाँ पर वुमेन के तौर पे, एक लेडी के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन हुआ है ऑटम सीजन का। अब ये आपके पोइट के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जब इनकी एक पोइम मैंने पहले पढ़ा चुकी वहन आई हैव फियर, तो उस वाली पोइम के बाद में अब ये उनकी सेकंड पोइम है। अब हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये पोइम में होता है और किस तरह से ये पोइम की जो मेन जो पोइम है वो स्टार्ट होती है और किस तरह से ये पोइम हमें लास्ट तक एक कंटिन्यूटी वे में चलती रहती है। तो ये पोइम है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बॉशम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब हम दो दो स्टेंजा के हिसाब से इसको चलते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, जो ऑटम का जो सीजन है वो कैसा सीजन है, इसमें क्या होता है कि मिस्ट का मतलब यह वैसे तो कोहरा होता है लेकिन यह धुंधला, मतलब एक ऐसा मौसम जो धुंधला हो और जो हल्का सा बर्फीला भी हो। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और मेलो मतलब पका हुआ, मैं फ्रूटफुलनेस मतलब उस और पूरी तरह से फलों से पकाया हुआ, पके हुए फलों से वो लदा हुआ, मतलब एक ऐसा मौसम हो जो दिखने में तो थोड़ा धुंधला हो बट उसमें जो फल आ रहे हैं वो सभी पक चुके हैं, वो अभी उतनी पूरी तरह से पक चुके हैं वो फल। मेलो का मतलब यहाँ पर है फलों का पकना, ठीक है। मेलो राइप का मतलब फलों का पकना। क्लोज बेसम फ्रंट ऑफ द मैच्योरिंग सन, और जो ऑटम सीजन है, जो मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग का मतलब है एक तरह से पूरी तरह से खिला हुआ सन है, उसका वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सीजन है इसका सबसे गहरा दोस्त कौन है, ये सन। और इसी सन की वजह से ये फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, पक रहे हैं। हम भी इस बात को जानते हैं बिना सन के फ्लावर्स नहीं पक सकते, चाहे मैं तो फ्रूट्स नहीं बन सकते या फिर हमारी कोई फसल है वो भी नहीं पक सकती। तो फिर यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि जो ऑटम सीजन है उसका सबसे अच्छा दोस्त ये सूर्य है।
conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatched ground. अब यहाँ पर इन दो ये दोनों इनका हो गया लाइन्स का, अब दोनों का कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड कंस्पायरिंग जो ऑटम सीजन है, कंस्पायरिंग मतलब एक तरह से यहाँ पर उसका मतलब है कि योजना बना रहा है, कंस्पायरिंग का मतलब है योजना बना है कि वहाँ पर जो पोइट है और जो ऑटम सीजन है और ये सन दोनों योजना बनाते हैं कि किस तरह से हाउ टू लोड कि किस तरह से लादे जाए एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन जो अंगूर की जो बेल है उनको फलों उनके जो अंगूर आ रहे हैं उनको किस तरह से पका कर लादा जाए दैट राउंड द थैचिव और ये फल जो बेल हैं जो अंगूर की जो बेल हैं वो इस छप्पर थैच ईव्स का मतलब है यहाँ पर छप्पर जो छप्पर के किनारों पर लटकी हुई ये उनको किस तरह से पके होकर नींद लटकाया जाए जो 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 यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि जो अंगूर की बेल उस छपरे के चारों तरफ फैल रही है वो उसको किस तरह से फल से पके फल से लादा जाए इसकी योजना सूर्य और ऑटम सीजन मिलकर बनाते हैं। तो थैजीव का मतलब है छप्पर, ठीक है। कंस्पायरिंग का मतलब है प्लानिंग करना, योजना बनाना। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेज एंड सेल्स विथ ए स्वीट कर्नल टू सेट बुडिंग मूव। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोज, अब यहाँ इसको चलते हैं कि एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर और फिल और भर दो सभी फलों को विथ राइपनेस पूरी पकावट से पूरी मतलब फल जो पक जो आधे अधूरे भी अगर फल पके हुए हैं तो उनको पूरी तरीके से पका कर क्या कर दो पका करके उनको अंदर तक कोर मतलब अंदर तक उनको पका दो और उन फलों को जो कई फल होते हैं जिसे पक जाते तो फूल जाते तो पक कर वो क्या हो फूल जाए। अब यहाँ पर ये लाइन हो गई। अब इसको तो होते हैं मोस होते काई जैसे एक लाइकन जैसे काई जैसी होती है वैसे कॉटेज ट्रीज। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं जो जो झोपड़ी के पास में कॉटेज मतलब जो झोपड़ी है उसके आसपास उगे हुए कई पुराने मोस्ट है मतलब काई लगे पेड़ हैं जो झोपड़ी के किनारे हैं। कौन से पेड़ हैं वो एप्पल के पेड़ हैं वो एप्पल के वजन की वजह से बैंड हो रहे हैं वो झुक रहे हैं वो नीचे झुक रहे हैं। अब यहाँ पर टू स्वेल द गॉड और जो टू स्वेल स्वेल का मतलब है एक तरह गूदा वाले जो फल है उनका फूलना। तो यहाँ पर जो गर्ड है मतलब जो जो एक तरह से क्या तो लौकी या कद्दू जैसा पार्ट होता है जैसे पंपकिन वगैरह तो वो भी क्या वो भी अंदर तक अब क्या हुआ है फूल गया एंड प्लप द हेजल सेल और प्लप का मतलब हेजल सेल है वो भी क्या है मोटी हो गई मेक फैट वो भी मोटी हो गई। हेजल सेल भी क्या हो गई एक नट होती है मूंगफली जैसा कुछ नट होता है वो भी अंदर तक मोटी हो गई। ये हेजल है एक मूंगफली जैसी नट होती है उसकी भी सेल अंदर तक प्लम्प हो गई मतलब फूल गई। स्वेलिंग का मतलब भी फूलना और प्लम्प का मतलब फूलना मतलब कि ये ऐसी थी तो वो ऐसी उसकी जो ग्री है अंदर की भी वो भी फूल कर बाहर आ गई उसकी सेल के पास में। विथ ए स्वीट कर्नल विथ ए स्वीट स्वीट का मतलब है यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि जो 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 गुठली के भी अंदर का जो भाग है वो भी क्या है कर्नल मतलब गुठली के अंदर का जो भाग है वो भी मीठा हो गया है। टू सेट बिडिंग मोर और जो जो ऐसे कुछ फूल हैं जो अब खिलने की प्रोसेसिंग में है अब वो खिल चुके हैं बहुत सारी जो कलियाँ हैं वो खिलने की ओर पर एंड स्टिल मोर और बहुत सारी हैं। डेटर फ्लावर्स फॉर द बीच वो बाद में फूल बन जाएंगी किसके लिए मधुमक्खियों के लिए। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज जो मधुमक्खियाँ ये सोचती हैं कि उनके जो गर्म दिन है नेवर सीज 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 का मतलब है ख़त्म ही नहीं होंगे उनके जो जो वार्म डेज हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे वो उन लगातार ही अपनी जो जो हनी है उसको को काम करने की उसका काम करती रहेंगी उसको कलेक्ट करती रहेंगी और उसको इकट्ठा करती रहेंगी। फोर समर गर्मियों के लिए हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स
हैज ओवर ब्रिम्ड, ब्रिम्ड मतलब उन्होंने भर लिया, बिल्कुल एकदम लबालब भर लिया। देयर क्लेमी सेल्स, उनके चिपचिपे, क्लेमी मतलब चिपचिपे, उनकी जो चिपचिपे जो स्टकी जो उनका वो होता है छत्ता, सेल होता है मतलब छत्ता होता है, तो उसको भी उन्होंने ऊपर तक भर लिया। किसके लिए? गर्मी के मौसम के लिए उन्होंने उस छज्जे को ओवर ब्रिम्ड मतलब ऊपर तक भर लिया गर्मी के लिए, ताकि वो जो चिपचिपा रहता है वो छत्ता एकदम सहज से बिल्कुल चिपचिपा होकर ऊपर तक भर जाए, उसमें किसी भी तरह की कोई लाइंस हो नहीं हो, वो ऊपर तक लबालब हो जाए। ये आपका स्टैंजा था, अब आगे हम चलते हैं।